नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी फिर हाजिर हूँ आपके साथ विद्यार्थी प्रोत्साहन की एक और नवाचारी योजना लेकर। साथियों, यदि आप कक्षा 6 से 10वीं अध्ययनरत हैं या फिर आपका पुत्र पुत्री या कोई संबंधी कक्षा 6 से 10वीं अध्ययनरत है तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली तथा राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान गांधीनगर गुजरात की यह योजना आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो सकती है। साथियों, आपको बता दें इसके अंतर्गत यदि आपकी प्रविष्टि शामिल हो जाती है तो आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा नगद 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए पात्रता और शर्तें क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। साथियों, कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत ऐसे परीक्षार्थी जिनकी आयु 10 से 15 वर्ष हैं वो इस योजना के लिए पात्र हैं। चाहे वो स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के निजी विद्यालय में पढ़ते हो या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हो, देश भर के सभी विद्यार्थियों के लिए इस योजना के दरवाजे खुले हुए हैं। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को EMIAS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। यदि आप विद्यालय के संचालक हैं या संस्था प्रधान हैं तो आपके लिए आवश्यक है आप अपनी लॉगिन आईडी से आज ही अपनी विद्यालय की लॉगिन आईडी से लॉगिन होकर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेवें। इसी के साथ अपने UDISE कोड को भी अपनी प्रोफाइल में ज़रूर अपडेट कर देवें, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जैसे ही विद्यार्थी विद्यालय में आना प्रारंभ होंगे आप उनकी प्रविष्टियों को अपलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करेंगे। साथियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि परीक्षार्थी जिनके सृजनात्मक और मौलिक नवाचार हैं उनको ही इस योजना में शामिल किया जाएगा, किसी प्रकार की इंटरनेट की कॉपी पेस्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत करना क्या है कि 6 से 10 में अध्ययनरत परीक्षार्थी जिसके अपने स्वयं के मौलिक विचार हैं, सृजनात्मक और नवाचार हैं, वो JPG, PDF या वर्ड किसी भी फॉर्मेट में अपनी प्रविष्टि को अपलोड कर सकता है। इसके लिए करना क्या है, ये समस्त जिम्मेदारी विद्यालय स्तर पर निभानी है। आपको बता दें उच्च प्राथमिक विद्यालय से 3 परीक्षार्थी जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों से 5 विद्यार्थियों की प्रविष्टियां भेजी जाएंगी। जिला स्तर पर होने वाली इस प्रकार की इंस्पायर्ड अवार्ड प्रदर्शनी के अंतर्गत परीक्षार्थियों को शामिल होने होगा। वहां से 10% परीक्षार्थियों को चयनित करके और उनकी प्रविष्टियों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। वहां पर यदि प्रतिभागियों की प्रविष्टि शामिल हो जाती है तो 10,000 रुपये नगद उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसलिए प्रविष्टि करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय आप ध्यान रखें कि परीक्षार्थी का बैंक खाते का जो विवरण है वो ध्यानपूर्वक भरें, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि ना करें, क्योंकि यह राशि सीधे प्रतिभागी के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। इसलिए आप इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक संपन्न करें। तमाम जितने भी देश भर के निजी विद्यालय, सरकारी विद्यालय अपने परीक्षार्थियों को, अपने जितने भी विद्यार्थी हैं उनको इस संबंध में सूचित कर देंगे। साथियों, इस योजना का मुख्य उद्देश्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ ही राष्ट्रीय नव प्रवर्तन संस्थान जो गुजरात है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी की अपनी मौलिक सृजनात्मक जो नवाचार है, जो आज के सामाजिक परिप्रेक्ष्य की कसौटी पर खड़े उतरते हैं, उनको ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का, नवाचारों का विकास करना है। इसलिए विद्यार्थी की प्रविष्टि पूर्णतया मौलिक होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए। यदि कॉपी पेस्ट होती है तो उसे जिला स्तर पर ही निरस्त कर दिया जाएगा। जिला स्तर से केवल उन्हीं प्रविष्टियों को भेजा जाएगा जो केवल मौलिक होंगी। इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लें, यदि आप अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, तो आप आज ही अपनी विद्यालय की लॉगिन आईडी से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर देवें और इसके बाद अपने विद्यालय से, यदि आपका विद्यालय माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक है तो 5 प्रविष्टियाँ और यदि उच्च प्राथमिक है तो 3 प्रविष्टियाँ
आपके विद्यालय से भेजी जा सकती है। इसके लिए आप अपने जो विद्यार्थी हैं उनको अभी से तैयार कर लें। लॉकडाउन के बाद जैसे ही विद्यालय खुलेंगे, परीक्षार्थी आएंगे, उनको तुरंत आप उनकी प्रविष्टियों को अपलोड कर देंगे। इसमें एक बात आप जरूर ध्यान रखें, जो प्रविष्टियां आप शामिल करें उसमें विद्यार्थी के गत वर्ष के कक्षा के प्राप्तांक निर्धारित नहीं होंगे। अर्थात गत वर्ष के जो प्राप्तांक है परीक्षार्थी के, उसके आधार पर आप परीक्षार्थी का चयन नहीं कर सकते। इसके लिए आपको विद्यालय स्तर पर एक मौलिक विचार या सृजनात्मक विचार प्रतियोगिता रखनी होगी और उसके अंतर्गत जो 5 प्रविष्टि या 3 प्रविष्टि आपको सर्वश्रेष्ठ लगे उनका चयन ही आप इसके अंतर्गत करें। इसलिए समस्त जो अभिभावक हैं, शिक्षक हैं, अच्छी तरह समझ लें, विद्यार्थी की प्रविष्टि मौलिक हो और नवाचार उसके अंतर्गत हो जो वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में खरी उतरती हो। तो साथियों, ये कुछ बड़ी अपडेट थी इससे संबंध में। शिक्षा और रोजगार से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर के लिए लगातार आप बने रहें हमारे साथ में, क्योंकि शिक्षार्थी बेरोजगारों के लिए समर्पित इस चैनल में हम रोजगार, विज्ञापन और इसी प्रकार की तमाम जितनी भी बड़ी खबर आती है हम सबसे पहले आप तक उसे पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।